केले की बहुत सारी रेसिपी आपने खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे केले का भुजिया। तो मैंने हरे केले लिए हैं 6 पीस। इनको हम अच्छे से छील लेंगे और उसके बाद धो के कट कर लेंगे। तो चलिए हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने केले को छील रखा है, अभी मैं इसको धो लूँगी अच्छे से, फिर मैं इसको काटूँगी। तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग एंड ब्लॉग में। और आज हम बना रहे केले का भुजिया। तो केले को हमने मोटा मोटा काट रखा है। केला पकता बहुत जल्दी है और इसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो हम पहले ही तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ये हमने कढ़ाई चढ़ा ली और हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो हमने उसमें तेल डाला है और हमने उसमें डाला है 5 फ़ोरन। ये देखिए, इसमें मेथी, अजवाइन, मंगरेला, सौंफ और जीरा, ये सब हमने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अपने 3-4 कटी हुई हरी मिर्च, आप तीखे के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है इसमें 4 कटी हुई हरी मिर्च। और ये देखिए, मिर्ची पक रही है। इसके बाद हम अपना उसमें डाल देंगे कटा हुआ केला। और केले को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं, ये बहुत जल्दी पकता है। बस इसको धीमी आंच पर ढक के पकाना है और ये 5 मिनट के अंदर पक जाएगा। बहुत जल्दी केला पकता है, लेकिन इसमें हाँ, तेल आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा डाल दें। तो ये मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया है। और ये देखिए, केले कितना अच्छा से हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ऐसे ही थोड़ा देर अभी हम मैं और फ्राई करूँगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम इसमें 1 चम्मच ही डालेंगे और मैं इसमें अब डाल रही हूँ हल्दी। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं, नमक, हल्दी और काली मिर्च, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप चाहे तो इसमें प्याज वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन बिना प्याज के भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गया, आप इसको पूजा पाठ के टाइम में भी बना के खा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं तो ये आप बना के खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज के भी। और इसमें जीरे का आप छौंक देंगे। तो देखिए, हमारा भुजिया हो गया बिल्कुल रेडी। और ऐसी हमारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।